जंगलों के बीचों बीच में खड़ा हुआ है कतई, तुम देख सकते हो मतलब चारों तरफ तुमको केवल कुछ नहीं दिखाई देने वाला, सपाट एरिया दिखाई देने वाला, जंगली जंगल हर तरफ, मतलब जंगली जंगल है। और यहाँ से मतलब अपन 3-4 किलोमीटर मतलब पैदल चलकर आए और सामने की तरफ है जो माता जी का मंदिर है, अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मतलब हमारे गांव के मतलब जो भी मतलब मन्नत होती है, मतलब माना जाए मतलब वो कंपलसरी मतलब पूरी हो जाती है माता जी के द्वार के आगे, मतलब जो भी मानते हैं। तो वही मन्नत मतलब हमारी दीदी की भी पूरी हुई थी, मतलब हमारी मम्मी ने माना था कि वो उनकी पुलिस में जॉब लग जाएगी तो उनको मतलब उनकी कथा कराएंगे, मतलब जो भी भगवान के आगे मानते हैं वो चीज़ होगी। तो आज अपन फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं और तुम्हारा भाई तुमको दिखाने वाला है मतलब कैसे कथा हो रही है और यहाँ मंदिर के जो भी मानते हैं, मतलब श्रद्धा जो होती है ना, मतलब एक तरीके से विश्वास होता है तो वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे भी तुमको तुम्हारा भाई दिखाने वाला है मतलब क्या चीज़ होने वाली है। तो चलो पहले अब तुम्हारा भाई यहाँ पर पहुँच चुका है और मैं तुमको दिखाने वाला मतलब ये जितने भी आपको हाथी दिख रहे हैं, मतलब जितने भी लोगों की मन्नत पूरी हुई थी उन लोगों ने इनको बनवाया है, मतलब मेरे ख्याल से शायद यही। और यहाँ पर जो कि बैल है अपन इसको दबा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अभी तुम्हारा भाई यहाँ पे दिखाने वाला मतलब जो कि यहाँ पे पंडित जी हैं जो कथा कर रहे हैं, और ये वो दीदी है मतलब जिनकी नौकरी लगी और इनका कथा हो रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मतलब अभी बंदर वंदर आए थे, जो भी मतलब पूड़ी उड़ी चढ़ा रखी थी वो सब ले गए हैं, पूड़ी जो चढ़ाई थी अभी यहाँ पे। बंदर कहाँ गए, बंदर कहाँ पे चले गए? तो गाइज आपको वो दिख रहा होगा बोरा, वो बंदर वो ऊपर बैठा हुआ है जो पूड़ी खा रहा है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे हमने चढ़ाई थी ना, मतलब जो लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो वो पूड़ी चढ़ाई थी वो ये ले गए। और मतलब पूरा ही पूरा हर तरफ मतलब यहाँ पे जंगल ही जंगल है, यहाँ पे एक नदी है, चलो वहाँ पे भी दिखाते हैं अभी अपन लोगों को। Doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try puff on the right side? Put it up and तो भाई तुम्हारा भाई अभी ऊपर से नीचे की तरफ आया था और जो मैं नदी की बात कर रहा था भाई, फाइनली वो ये नदी ये रही। काफ़ी ज़्यादा गहरी है ये अंदर तक, अगर अंदर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा गहरी, क्योंकि मैं अभी नहाया था, टायर के गया था उस पार और इस पार नहाते यार वीडियो दिखा नहीं सकते थे। तो मतलब यही एक नदी है और यहाँ का पानी भी आप देख सकते हो कितना साफ है। और वहाँ पे देखो भाई लास्ट टाइम है, मतलब वहाँ पे जब वो भैंसे नहा रही है और बंदर अंदर भी यहाँ पे कूदते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं। तो अभी अपन चलते हैं घर, जब तक यहाँ पे पूजा खत्म हो जाती है और प्रसाद जो मिलेगा वो अपन खाएंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और कैसा लग रहा है व्लॉग यार बता देना, और भी डालेंगे वीडियो यार, दिक्कत क्यों ले रहे हो बीरो। चलो मिलते हैं अभी। तो यार फाइनली तुम्हारा भाई घर आ चुका है यार, मैं सो गया था घर आने के बाद, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बना ही, ना ही व्लॉग शूट करा, आधा ही शूट करा वो मैंने दिखा दूंगा, मतलब मैं घर पे आके सो गया था सीधा, क्योंकि यार काफी ज्यादा वहाँ काम क्या ही कर रहा था, मतलब मजे ही ले रहा था, मजे लेते लेते मैं सो गया। नदी में कुछ ज़्यादा ही मैं ठहरा, चक्कर में बहुत गंदी वाली नींद आ गई और घर में आया, ब्रश करा और चुपचाप मैं सो गया और खाना खाया और उसके बाद वीडियो यार एंड करना था, एंड सिटी डालनी थी। तो यार आई होप आपको यार ब्लॉग अच्छा लगा यार, अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना यार, जो भी नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यार, इतना अच्छा बनाना नहीं आता, ट्राई टू द बेस्ट, ठीक है, आई लव यू मेरे भाई लोग।